शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम अफ़गानिस्तान के मैप के साथ में। अफ़गानिस्तान किन किन देशों के साथ बाउंड्री करता उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान के पूरब की तरफ यदि हम जाएंगे और दक्षिण की तरफ, काफ़ी लंबी बाउंड्री इसकी टच होती है पाकिस्तान के साथ में। तहरीर या पूरब ये पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। थोड़ा सा जो हिस्सा है इसका वो चाइना के साथ में लगता है पूरब की तरफ। ठीक है, पूरब और नॉर्थ की तरफ यदि हम जाएंगे तो कौन कौन से देश पड़ जाते हैं? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना। वहीं हम यदि नॉर्थ से लेकर के पश्चिम की तरफ यदि बढ़ें, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। तो जो ईरान की बाउंड्री है आप देख रहे हैं, यहाँ से चालू हुई है और इस प्रकार से नीचे नीचे तक चली गई है। तो ये जो पूरा जो पश्चिमी एरिया है ईरान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता, और वहीं साउथ की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता। अफ़गानिस्तान की राजधानी है ये काबुल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान न्यूज़ में आखिर रहा क्यों है। अब हम न्यूज़ को देखते हैं तो पहली जो न्यूज़ आई है वो हम अफ़गानिस्तान से ही देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक के चलते चलते यहाँ पर 1,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ईस्ट अफ़ग़ानिस्तान में 600 लोग घायल हुए हैं। रिमोट माउंटेन विलेजेस बियर द ब्रंट। ठीक है, और जो रिमोट माउंटेन एरिया है वो वाला एरिया ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके असर की यदि हम बात करें तो वो फील किया गया था लगभग 119 मिलियन पीपल्स के द्वारा। कहाँ? पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इंडिया, इसके अलावा यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर का कहना है ट्विटर में। तो यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने क्या बताया है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के बारे में, उसकी तीव्रता के बारे में? 6.1। दाऊदा USGC का कहना है इसकी तीव्रता थी 5.9। अर्थक्वेक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं जैसे कि भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो भूकंप यदि आ रहा है तो पृथ्वी के भीतर जो गति होती है उसको तो कोई देखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें कई सारी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जा कर के हम धरती के अंदर की चीज़ों को पता कर पाते हैं कि आखिर भूकंप कैसे करके आ रहा है, ज्वालामुखी किस प्रकार से उद्गार हो रहे हैं। देखिए, यदि हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी को हासिल करना है तो उसके लिए हमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, साधारण सी भाषा में यदि भूकंप के बारे में बताएं तो भूकंप का मतलब होता है भूधनकंप, मतलब पृथ्वी में होने वाला वाइब्रेशन या फिर कंपन। ये एक नेचुरल घटना होती है। ठीक है, ये जो भूकंप होता है वो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें स्थित हैं इनमें जब गति होती है, ठीक है, जब ये संचरण करती हैं, गति होते हैं या फिर टकराती हैं, तो उस टाइम में कुछ तरंगे निकलती हैं, उन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इनके टकराने से एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी से फिर कहा जाता है कि तरंगे निकलती, सब दिशा में ये फैल जाती हैं और फिर भूकंप लाती हैं, जिसका असर हमारे धरातल तक होता है। ठीक है, ये धरती के अंदर होता है ये घटना, लेकिन असर इसका ऊपर तक होता है। तो जो भूकंप अभिलेख होता है, ठीक है, जिससे भूकंप का हम पता लगाते हैं, भूकंप अभिलेख में 3 प्रकार की तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और धरातली तरंगे। ठीक है, पी तरंगों की हाइट आप देख रहे हैं, एस तरंगों से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और इनको कहते हैं धरातली तरंगे। पहुंचने का टाइम यहाँ पर बताया जा रहा, सबसे पहले, फिर सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पर धरातली तरंगे। और ये यहाँ इसके सेंटर से लेकर के इसकी जो टॉप हाइट है उसको हम आयाम कहते हैं। तो यहाँ हमने तीनों प्रकार की भूकंपीय तरंगों के बारे में देखे।
ठीक है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो भ्रंश होता है, जैसे कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है नॉर्मली भ्रंश कहते हैं इसको, दोनों के बीच में जो गैप रहता है इसके किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपरपट्टी की सेलों में जो गहन दरारें हैं, जैसे कि ये सेल हो गई, इनमें जो दरारें रहती हैं उनको ही हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहाँ पर ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि इनके ऊपर में जो सेलखंड स्थित है ना, वो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसी के चलते चलते इनमें गति होती है। उनके आपस के घर्षण ने उनको बांध कर रखा, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के चलते चलते एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, फिर सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। यहीं से निकलती है फिर एनर्जी और ऊर्जा तरंगें सब दिशा में गतिमान हो जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, घर्षण के कारण ही ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हुआ, ख़त्म हुआ, ये गति करना चालू कर देती हैं, और इसी से निकलती फिर एनर्जी, और वो एनर्जी, वो कंपन फिर चारों दिशाओं में गतिमान हो जाता। वो स्थान जहाँ से ऊर्जा निकली है उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से यदि एनर्जी निकली है तो इसको हम कहते हैं फोकस। दूसरी बात, इसके सीधे 90 के एंगल में आप यदि चले जाओ और पृथ्वी की सतह पर आ जाओ, ठीक है, तो ये वाला सेंटर कहलाता है हाइपो सेंटर। सॉरी, जो फोकस रहता है, ठीक है, भूकंप का जो उद्गम केंद्र है फोकस कहलाता है, इसको हम हाइपो सेंटर भी कहते हैं। जो पृथ्वी पर जो एकदम सबसे किनारे इसका असर रहेगा एकदम 90 के एंगल में, इसको हम एपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तरंगें यहीं पर पहुंच पाती हैं। ये जो सेंटर रहता है इस फोकस के सीधे 90 के एंगल में रहता है। अब हम बात करेंगे भूकंप से पैदा होने वाली तरंगों के बारे में, ठीक है। सभी प्रकार के जो नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं वो लिथोस्फेयर में ही आते हैं। लिथोस्फेयर मतलब होता है स्थलमंडल। मान के चल लीजिए ये पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की डेप्थ में यदि आप जाओगे, यहाँ तक, ठीक है, 200 किलोमीटर की गहराई तक ही ज़्यादातर भूकंप आते हैं, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर वाली गहराई वाले भाग को हम कहते हैं। हमारे पास जो सिस्मोग्राफ रहता है वो सरफेस पर पहुंचने वाली वेव को अभिलेखित करता है, रिकॉर्ड करता है। भूकंपी तरंगों का अभिलेखीय वक्र हमको दिखाता है, ठीक है, और ये जो वक्र इसने खींचा है, ठीक है, ये जो वक्र इस यंत्र के द्वारा खींचा गया है, ठीक है, ये वक्र अलग अलग बनावट वाली तरंगों को बताता है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो दो प्रकार की तरंगें हमें दिखाई देती हैं, एक होता है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब भूगर्भिक तरंगें और सरफेस वेव मतलब धरातली तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा हुई थी, ठीक है, और उद्गम केंद्र मान के चलिए ये है। तो जो उद्गम केंद्र है यहाँ से जो एनर्जी मुक्त हो रही है, इसी के चलते चलते जो वाइब्रेशन हो रहा है, वेव पैदा हो रही हैं, उनको हमने भूगर्भिक तरंगे कहा था, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर ही सब दिशाओं में आगे बढ़ जाती हैं। भूगर्भिक तरंगों और धरातली सेलों के मध्य फिर अन्योन क्रिया होती है, आपस में एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, इसके चलते चलते नई तरंगें पैदा होती हैं जिनको हम धरातली की तरंगें कहते हैं, ठीक है। अब शुरू में जो ये जो वेव्स निकली हैं ये धरातल में कहाँ टकराएंगी, ठीक है, अंदर जो भी चीज़ें इनको मिलती हैं उनसे ये टकराती हैं, टकराने के बाद ये फिर बन जाती हैं धरातली तरंगे।
भूगर्भिक और धरातलीय सेलों के बीच में आपस में क्रिया होती है, ठीक है, सेलों के बीच में क्रिया होती है, उसी से ही बनती हैं फिर धरातलीय तरंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तरंगे रहती हैं वो धरातल के साथ साथ में चलती हैं, ठीक है, और ये जो तरंगों का वेग होता है वो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर चेंज होते जाता है। ज़्यादा घनत्व है तो तरंगों की स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होती हैं, इसके कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की डायरेक्शन चेंज होते जाती है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोरल से रिलेटेड, ठीक है, कोरल रीफ्स जिसको हम हिंदी में प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे जीवों का एक ग्रुप रहता है जिनको हम पॉलिप्स रहते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं। तो कई सारे पॉलिप्स मिला करके कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। ये जीव चट्टानों के बाहर निवास करते हैं और मरने के बाद कठोर हो जाते हैं। इनके ऊपर नए पॉलिप्स पैदा होते जाते हैं जिससे एक चट्टान का रूप ये धारण कर लेते हैं, ठीक है। कोरल रीफ में मृत या जीवित पॉलिप्स का ग्रुप होता है, ये जिंदा भी हो सकते हैं या फिर मरे हुए भी हो सकते हैं। कोरल रीफ जीव एक जगह ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। प्रवाल भित्ति ना तो जलीय पौधा है और ना ही चट्टान, ये एक समुद्री जीव होता है जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, ठीक है। वदी निर्माण के लिए हम बात करें तो ये नॉर्मली कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं, जिससे ये सख्त और मजबूत अस्थि पंजर का निर्माण करते जाते हैं, इससे ये सुरक्षित रहते हैं। कोरल रीफ गर्म और उथले पानी में पाया जाता है। ये जीव आर्कटिक महासागर के अलावा पूरी दुनिया में मिल जाते हैं, ठीक, समुद्री तट, द्वीप के आसपास। ज़्यादातर कोरल 60 मीटर की गहराई में मिलती हैं, कुछ कोरल रीफ 100 मीटर से भी अधिक गहराई समुद्र में पाए जाते हैं। वहीं यदि इनके खाने पीने की बात करें तो ठीक है, प्रवाल भित्ति भोजन भी कर सकते हैं। ये जीव छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं, प्लैंकटॉन, शैवाल, ठीक है, जो प्लैंकटॉन शैवाल नामक छोटे जीव इनका मुख्य भोजन है। कोरल एल्गी के साथ सहजीवन में रहते हैं और इनसे ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एल्गी मतलब होता है काई या फिर शैवाल। इनका आकार कई प्रकार से हो सकता है, कई शेप में पाए जाते हैं, साइज शेप, ठीक है। कुछ कुछ तो घास के तरह दिखते हैं, कई की आकृति मशरूम की जैसी रहती है, ठीक है, कई तो हमें पौधों के जैसे दिखते हैं जबकि कुछ फूलों की तरह रहते हैं। ब्रैन कोरल, पिलर कोरल, वायर स्पाइरल कोरल और भी कई तरह की कोरल की प्रजातियां हैं। इनका कलर भी हमें नीला, पीला, काला, सफ़ेद, पिंक होता है। कोरल रीफ में विभिन्न रंगों का कारण एल्गी होता है, एल्गी मतलब शैवाल। ये समुद्री जीव की जो वृद्धि है बहुत धीरे धीरे होती है, ज़्यादातर प्रवाल 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर बढ़ते हैं हर साल, इसलिए हमें इनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम जिसको हम द ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। ये करीब 2600 किलोमीटर के समुद्री इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पर 3,000 चट्टाने और 900 द्वीप मौजूद हैं। इस कोरल रीफ में लगभग 1,500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि करीब 8 से 10 हज़ार साल पहले ये बना था। और टीवी में हम कई जगह देखते रहते हैं कि कई सारी रंगीन मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, मछलियाँ, कटफिश, ठीक है, स्पंज, एनीमोन, घोंघे, इन समुद्री जीवों को ये घर प्रोवाइड करते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रवाल भित्ति मछलियों का समुद्र में घर होता है। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में क्या बताया जाता है, इसमें बताया गया है कि 4 कोरल, नए कोरल रिकॉर्ड किए गए हैं हमारे भारतीय समुद्र में। द स्पीसीज न्यूली फाउंड ऑफ अंडमान, अंडमान से थोड़ा सा दूर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग टू द सेम फैमिली, और दूरी हल्की सी दूरी पर जो पाई जाती है और नई प्रजाति जो पाई गई है, दोनों में क्या बताया जा रहा है कि सेम फैमिली से ही ये बिलोंग करते हैं।
शिव सहाय सिंह कलकत्ता के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किया है 4 स्पीसीज ऑफ कोरल को फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडियन वाटर। दीज न्यू स्पीसीज ऑफ एजुक्स एंथेलेट कोरल को फाउंड किया गया था वाटर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो पानी है उससे थोड़ा सा दूर में। एजुक्स एंथेलेट कोरल आर ए ग्रुप ऑफ कोरल्स, ठीक है, जो खोजा गया है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है एजुक्स एंथेलेट कोरल्स, ये कोरल्स का एक समूह है। दैट डू नॉट कंटेन जूक्स एंथेलेट, ठीक, इसमें जूक्स एंथेलाई नहीं पाया जाता है एंड डिराइव नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण या भोजन, नॉट फ्रॉम द सन, ये सन से अपना भोजन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बट फ्रॉम द कैप्चरिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्लैंकटॉन्स। तो कहाँ से, ये अलग अलग प्रकार के प्लवक से, प्लैंकटॉन से प्राप्त कर रहे हैं। ये बताते हैं कि ये डीप सी में रहते हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम द डेप्थ बिटवीन 200 मीटर एंड 1000 मीटर। 200 मीटर की गहराई से लेकर के 1000 मीटर की गहराई में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा वो यहाँ कहाँ पर भी रिपोर्टेड किए गए हैं, सैलो वाटर्स, सैलो मतलब उथले जो वाटर रहता है ना, अनलाइक जूक्स एंथिलेट कोरल्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू सैलो वाटर। और वहीं यदि हम जूक्स एंथिलेट की बात कर लें तो ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं सैलो वाटर्स में, मतलब कि उतना ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं उथले पानी को। इसको, इसकी जो डिटेल है उसको पब्लिश किया गया है थलासस में, मतलब एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैरीन साइंस में थलासस के नाम से इसको पब्लिश किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक, ठीक है, बिहाइंड दीज न्यू फाइंडिंग्स, कौन कौन लोग थे इनके बारे में नाम बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर कोरल के अलग अलग खोजों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ट्रंक एटो फ्लेबियम क्रेसम, मिलन एडवर्ड और हाईएम 1848, टी इनक्रस्टेटम इसको खोजा था कैरियंस 1989 ने, फिर टी एक्यूलेटम इसको खोजा था मिलन एडवर्ड और हाईएम ने 1848 में, और टी इरेगुलर सेम्पर 1872 में। कहाँ पर, किसके अंतर्गत में, अंडर द फैमिली फ्लेबिलेडे, इनको पहले फाउंड किया गया था कहाँ पर, जापान में, द फिलीपींस एंड द ऑस्ट्रेलिया वाटर। जबकि जो टी क्रेसम है ना, इसको रिपोर्टेड किया गया था विद द रेंज ऑफ इंडो वेस्ट पैसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से पानी में कौन कौन से कोरलों की खोज की गई है ये बात यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि जो ये जो फैमिली है फ्लेबिलाइड इसको खोजा गया था जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में, और जो टी क्रेसम था इसको रिपोर्ट किया गया था केवल इंडो पैसिफिक वाला जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर। और भी इनके बारे में जानकारी दी जाती है कि देखिए एजुक्स एंथेलाइटी कोरल जिसको हमने फाइंड किया है ये हार्ड कोरल का एक समूह होता है, और जो 4 न्यू स्पीसीज रिकॉर्डेड की गई हैं वो सिंगल नहीं हैं बट हैव ए हाईली कंप्रेस्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर, इनके जो हड्डियों का ढांचा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, मतलब घना है। मोस्ट स्टडीज ऑफ हार्ड कोरल्स इन इंडिया हैव बीन कंसंट्रेटेड ऑन रीफ बिल्डिंग कोरल्स, विच मच इज नॉट नोन अबाउट ऑन रीप बिल्डिंग कोरल्स। अगली जो न्यूज़ है वो हम ब्रिक्स से रिलेटेड है, इसको देखने वाले हैं। ब्रिक्स बिजनेस फोरम, इसका आयोजन किया जाता है ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के द्वारा,
इस काउंसिल को का निर्माण किया गया था 2013 में, ठीक है, 13 की समिट में डरबन में। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट द प्राइमरी टास्क ऑफ ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल इज़ टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, जिसको जिसमें ब्रिक्स बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाता है। वहीं यदि सिग्निफिकेंस की यदि हम बात कर लें तो ब्रिक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, क्योंकि ब्रिक्स रिप्रेजेंट 3.1 बिलियन पीपल को, ब्रिक्स के ग्रुप में 3.1 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की 40% जनसंख्या इस ब्रिक्स के ग्रुप में रहती है। आल्सो इट कंट्रीब्यूट 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, इसके अलावा विश्व जीडीपी का 30% हिस्सा कौन शेयर करता है, ब्रिक्स कंट्रीज शेयर करती हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक वर्ड यूज़ किया गया है, यूनिकॉर्न कंपनीज, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है, प्राइवेटली सेटअप की गई कंपनियां होती हैं जिनकी वैल्यू होती है $1 बिलियन, $1 बिलियन से भी ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। द टर्म वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इन 2013, पहली बार ये जो टर्म थी पॉपुलर हुई थी 2013 में, बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली, चूजिंग द मिथिकल एनिमल टू रिप्रेजेंट द स्टैटिकल रेयरिटी ऑफ सच सक्सेसफुल वेंचर। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे यहाँ पर 70,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, उसमें से भी 100 तो यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब ऐसी कंपनियाँ जिनका जो बिजनेस है वो $1 बिलियन से ज़्यादा का है, तो ऐसी 100 कंपनियाँ हैं। इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके पास पोटेंशियल है लगभग $2.5 ट्रिलियन का, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है वेडनेसडे के दिन। ये एड्रेस कर रहे थे ब्रिक्स बिजनेस फोरम को, तो मिस्टर मोदी का कहना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्डिंग इन इंडिया हैड नेवर बीन सीन बिफोर द वर्ल्ड स्टेज, और जो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का, वैश्विक लेवल पर वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत सरकार के द्वारा बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लगभग $1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। द वैल्यू ऑफ द इंडियन डिजिटल इकोनॉमी विल रीच $1 ट्रिलियन बाई 2030। इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल लेन देन से जो पैसा हो रहा है, इकोनॉमी बन रही है, वो कारोबार कितना पहुंचने वाला है, $1 ट्रिलियन का 2025 तक। ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के बारे में उन्होंने बताया है, और इसी प्रकार का चेंज हर सेक्टर में हमको देखने को मिल रहा है इमर्जिंग न्यू इंडिया में। मोदी ने प्रेजेंटेड किया था कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को इमर्जिंग इन एरियाज, जैसे कि स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स एंड जियो स्पाइटल डाटा, स्थानिक डाटा जिसको कहा जाता है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मणिपुर के एक नेशनल पार्क से रिलेटेड, ठीक है, ये देख लें, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके यदि आप नॉर्थ की तरफ में जाओगे तो क्या पड़ जाती है, लोकटक लीक पड़ जाती है। मणिपुर में इसकी लोकेशन है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आई है इसको हम देख लेते हैं।
वहीं यदि हम मणिपुर की बाउंड्रीज़ की यदि हम बात कर लें तो ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसका नागालैंड के साथ में शेयर होता है, ठीक है, मतलब इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो नागालैंड के साथ में शेयर होता है। इसका पूरा जो ये पूरब वाला हिस्सा है, पूरा पूरब से लेकर के साउथ वाले हिस्से तक ये पूरा पूरा म्यांमार के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ में चले जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसका असम के साथ में शेयर हो रहा है, ठीक है, ये असम के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री को यह शेयर करता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई जाती हैं। इसकी लोकेशन पड़ती है, ठीक है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में। जो लोकटक झील है उसका जो वेस्टर्न, साउथ और वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये लास्ट नेचुरल हैबिटाट है, मतलब एक आखिरी अड्डा है, आवास स्थल है ब्रो एंटीलियर डियर, जिसको सनगाई हिरण बोलते हैं, द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर, मणिपुर की डांसिंग डियर जिसके नाम से इसको जाना जाता है। तो जो काबुल लामजो नेशनल पार्क है इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह बताई जाती है कि विश्व का केवल एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, किबुल लामजो नेशनल पार्क। ए ग्लिम्पस ऑफ द डियर इन दिस यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम इज ए मोस्ट फॉर एनी वाइल्ड लाइफ एथॉस्टिक के, मतलब कि दलदली क्षेत्र में ये नेशनल पार्क है। और जो हिरण यहाँ पर पाई जाती हैं एक यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम प्रोवाइड करती हैं उसको। अदर वाइल्ड लाइफ टू बी सीन इंक्लूड हॉग डियर, ओटेर, इसके अलावा होस्ट ऑफ द वाटर फाउल्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। न्यूज़ ऐसी आई है ये जो नेशनल पार्क है ना इसको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से, और इस जगह पर कुछ हेरिटेज जैसा बनाया जाएगा ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके और गवर्नमेंट की कमाई हो सके। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये जो इंडेंजर्ड प्रजाति की जो हिरण यहाँ पर पाई जाती है उसको हम एक तरफ से तो संरक्षण दे रहे हैं और दूसरी बात सरकार इनको यहाँ से हटा रही है उनके नेचुरल हैबिटाट से। तो जो जो नेशनल पार्क है किबुल लामजो ने वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है ब्रो एंटीलियर डियर को, जिसकी पॉपुलेशन लेस देन है कितनी, 300 से भी कम। इसको लिस्टेड किया गया है रेड बुक के अंतर्गत में। तो जो वाइल्ड लाइफ के लिए चिंतित लोग हैं, ठीक है, उनको डर है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ डियर इन द KLNF इज अलार्मिंगली लो सिंस सम पोचर्स इलीगली गेट कंप्लीट फ्रीडम टू किल द डांसिंग डियर।